हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा ब्यूटी टिप्स। मैं हूँ रेखा। फ्रेंड्स, गोरा चमकदार चेहरा हर लड़की के सपने होते हैं, इसलिए हर लड़की चाहते हैं हम कैसे सुंदर दिखे, वो कैसे गोरा दिखे। इसलिए वो बहुत सारे रेमेडी यूज करते हैं, मार्केट से बहुत सारे फेयरनेस क्रीम यूज करते हैं, पर मार्केट से जो चीज़ वो लाकर यूज करते हैं उसका रिजल्ट उन्हें नहीं मिलता। मार्केट के चीज़ों से आपके इंस्टेंट फर्क तो आपको दिखेगा, आप सोचेंगे आप गोरा हो गए, पर कुछ समय के बाद आप देखेंगे उस केमिकल के वजह से आपके स्किन ज़्यादा डैमेज होना लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको चेहरा को और भी ज़्यादा सुंदर, ग्लोइंग, फेयर करने चाहते हैं तो इसलिए आप नेचुरल चीज़ें यूज कीजिए। आप लोग को मेरे बात मानकर होम रेमेडीज़ को यूज कीजिए, जिसका रिजल्ट मिलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पर उसका रिजल्ट आपको परमानेंट मिलेगा और उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक ऐसे ही फेस पैक बनाना दिखाऊंगी, जिसको अगर आप यूज करेंगे तो आपके स्किन ग्लोइंग, फेयर, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल होने के साथ आपके स्किन बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही ग्लोइंग हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इस रेमेडी को हम कैसे बनाएंगे। पहले अगर आपने मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच सके। चलिए देखते हैं रेमेडीज को। तो इसके लिए हमें ज़रूरत होगा, हम फर्स्ट लेंगे 2 से 3 चम्मच कच्चा दूध और इसमें हम लेंगे 1 चम्मच चावल का आटा और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मैदा और इसमें हम लेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, कस्तूरी हल्दी पाउडर है तो बहुत ही अच्छा है, और इसमें हम लेंगे 1 चम्मच हनी और थोड़ी सी लेमन जूस। अगर आपको लेमन जूस सूट नहीं करता तो आप टमाटो जूस भी यूज कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये रेडी हो गया है हमारा व्हाइटनिंग फेस पैक। अब चलिए इसे लगा कर मैं आपको दिखाती हूँ। जब भी आप कोई भी फेस पैक लगाते हैं तो उससे पहले आपके स्किन को थोड़ी सी गीला कर लीजिए। कभी भी आपके स्किन जब भी बिल्कुल ड्राई होगा तो आप फेस पैक नहीं लगाएंगे। पानी से हो या रोज वाटर से हो, अपने फेस को गीला कर लीजिए और उसके बाद इस तरह से फेस पैक को लगा लीजिए। अच्छे से अपने फेमे हाथ में लगा कर दिखा रही हूँ, आप फेस में इसे लगा लीजिए। फ्रेंड्स, इस फेस पैक को आप हफ्ते में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिलता है आप इसे यूज करिए, ऐसा नहीं कि आपको 2-3 बार यूज करना ही करना है। फ्रेंड्स, इस पैक को आप लगातार कुछ दिन तक यूज कीजिए, आपके स्किन में इम्प्रूव आप जरूर दिखेंगे। 2 से 3 टोन आपके स्किन जरूर फेयर हो जाएगा। ये पैक स्किन को बहुत ही सॉफ्ट, ग्लोइंग एंड फेयर बनाएगा। इसे लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद जब आधा आधा सूख जाए, आप इसे इस तरह से गीले हाथों में थोड़ी सी पानी लेकर इस तरह से मसाज करते हुए धो लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से मसाज करने से आपको स्क्रबिंग अलग से नहीं करना पड़ेगा, ये हमारा स्क्रबिंग का भी काम करेगा। इस तरह से स्क्रबिंग करने से आपके सारे डेड स्किन निकल जाएंगे और आपके स्किन बहुत ही ग्लोइंग, बहुत ही फेयर हो जाएगा। इस तरह से मसाज करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए मसाज कीजिए। हल्का हल्का मसाज कीजिएगा, जोर से मसाज नहीं कीजिए। कोई भी स्क्रब आप जोर से नहीं मसाज कीजिए, हल्का हल्का मसाज कीजिए 2 से 3 मिनट तक और उसके बाद हम हमारे फेस को धो लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार के इस्तेमाल से कितना ग्लो आ गया है, फर्क आप खुद देख सकते हैं।
तो प्लीज आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।